हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेई 2025 की प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज और बेसिक कंसेप्ट्स। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप जेई या एई की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रेजिस्टेंस। सबको मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस मींस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस हमारे फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। इसको हम देते हैं रो एल बाय ए से, जहाँ पे रो कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। हमारा मटेरियल कैसा है, हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कॉपर वायर केबल है उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर हमारे पास किसी और मेटल का बना कोई वायर है उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, तो रो की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हमारे कंडक्टर की लेंथ कितनी है। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की थिकनेस कितनी है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रो L एंड A। रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस पे बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या कहलाता है, द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जी इक्वल टू वन बाय आर, ये हमारा कंडक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो डॉट आर जीरो मल्टीप्लाई बाई टी, जहाँ पे आर जीरो इज द रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री टेम्परेचर। जीरो डिग्री टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है, वो आर जीरो है। आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, वो आर टी है। एंड टी इज द टेम्परेचर राइज इन डिग्री सेल्सियस। टी है टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम अल्फा से देते हैं, और ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। या तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं या फिर हम पैरेलल में लगाते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा रहे हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके फॉर्मूलेज यहाँ दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का लगा रहे हैं, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा रहे हैं R1, R2, R3, RN, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन RN। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का लगा रहे हैं, पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर लगे हैं, फॉर एग्जांपल R1, R2, R3, RN तक, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन अप टू 1 अपॉन RN। तो अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का तो हम इस तरीके से पैरेलल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस क्या होता है, तो मैं आपको बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बता देती हूँ। इंडक्टेंस मीन्स अ क्वाइल। जो इस टाइप की क्वाइल होती है वो या इंडक्टर कहते हैं जिसको। आपके यहाँ पानी गर्म करने वाली रॉड होगी, ये जो पानी गर्म करने की रॉड होती है वो एक प्रकार का इंडक्टर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप देखोगे इस टाइप की क्वाइल लगी होती है, दैट इज द इंडक्टर। अब इंडक्टर में एक इंडक्टेंस इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रजिस्टेंस इंड्यूस्ड करना,
वैसे ही इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस प्रोड्यूस करना। कहीं पे अगर हमें रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना होता है तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे भी हमें इंडक्टेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इंडक्टर लगाते हैं। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करेंट फॉलोइंग थ्रू इट। तो ये कहलाता है इंडक्टेंस। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। जब भी हमारे इस कंडक्टर से कोई करेंट फ्लो होता है, ठीक है, मान लीजिए एक आई करेंट हमारे इंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, कंडक्टर के अराउंड पूरे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है करेंट के मैग्नीट्यूड में। अमाउंट का करेंट फ्लो हो रहा है उतनी हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अराउंड जनरेट होंगी और वही डिसाइड करेंगी कि कितना अपोज करना है चेंज ऑफ करेंट में जो करेंट हमारे इंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो जो कॉइल होती हैं वो हमारे इंडक्टर कहलाते हैं। जब भी हमारे कॉइल से करेंट फ्लो होता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं जो फ्लो ऑफ करेंट को अपोज करती हैं एक इंडक्टर में, ठीक है। और ये जो इंडक्टर है वो ओबे करता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को। दो टाइप के हमारे पास इंडक्टेंस होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अगर इसी क्वाइल में करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसके कारण जो इंडक्टेंस जनरेट हुआ उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, मान लो हमारी दो क्वाइल पैरेलल में लगी हुई हैं जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर में लगी होती हैं। जब हम एक क्वाइल में करंट अप्लाई करते हैं उसके कारण इस फर्स्ट क्वाइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी क्वाइल में भी करंट जनरेट करती है तो वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप से, और इंडक्टेंस को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं L इक्वल टू माइनस वी बाय डी आई बाई डी टी से, जहाँ पे डी आई बाई डी टी हमारा कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कितना करेंट चेंज हो रहा है उस पर हमारा इंडक्टेंस डिपेंड करता है और वहाँ पे जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है। तो जो इंडक्टेंस है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा और अगर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा तो इंडक्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या हम कह सकते हैं अगर हम इसको इस फॉर्मूले से अगर हम वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी, तो ये हमारा वोल्टेज निकला। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? द माइनस साइन इंडिकेट द अपोजिट नेचर ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट ड्यू टू लेंज लॉ। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इंडक्टर होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, मान लीजिए हमने बहुत सारे इंडक्टर को सीरीज में लगा के रखा है, यानी बहुत सारी क्वाइल हमारी सीरीज में लगी हैं, तो उसके अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट इंडक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट इंडक्टर इज द सम ऑफ ऑल इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस LR। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट इंडक्टर निकालने का। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है इंडक्टर का, अगर हमारा सर्किट ऐसा है जिसमें हमने इंडक्टर को पैरेलली लगा के रखा है, तो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1/LQ इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 इक्वल टू 1/LR। अब नेक्स्ट थर्ड आपका बेसिक एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्वल टू Q/V। कैपेसिटेंस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट और एनी डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे किसी मटेरियल की, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है वो बताता है हमें कैपेसिटेंस, ठीक है, या उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अब जितना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा उसके पास कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम देते हैं C इक्वल टू Q/V से, जहाँ पे Q होता है
चार्ज एंड वी होता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो जितना ज़्यादा चार्ज हमारा कैपेसिटर स्टोर करेगा उतना ही ज़्यादा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, बस सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। यहाँ पे देखिए, अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है किसी कैपेसिटर का, यानी उसमें चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, जैसा कि एक तो आपका ऐसा पैरेलल प्लेट वाला होता है जिसमें दो प्लेट आमने सामने होती हैं, ये कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस हम देते हैं एप्साइलन ए अपॉन डी से, जहाँ पे एप्साइलन कहलाता है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। हमारे प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डी कहलाती है और परमिटिविटी कहलाती है, और एप्साइलन कहलाता है द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर हमारा कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, यानी बहुत सारे कैपेसिटर हमने सीरीज में लगा के रखे हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 upon C equivalent = 1 upon C1 + 1 upon C2 + 1 upon C3 1 upon CN। ठीक है, और अगर बहुत सारे कैपेसिटर इस तरीके से पैरेलल में लगा के रखे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C equivalent = C1 + C2 + CN। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट टू वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो KCL होता है, KVL होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।